नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीबीसी ब्रेकिंग में एक बार फिर से। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो कि रॉकिंग स्टार यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर 3 मूवी के बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन के बारे में। वही दोस्तों बात करेंगे दूसरी मूवी जो कि अल्लू अर्जुन स्टारर फिल्म पुष्पा 2 मूवी के बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन के बारे में, और वहीं बात करेंगे तीसरी मूवी जो कि आप लोगों को बताए चले कि सलमान खान स्टारर फिल्म टाइगर 3 मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस फिल्म ने 2 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ रुपया कारोबार कर लिया और तीसरे दिन क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है इस फिल्म को। दोस्तों अगर आप लोग हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पे नए हैं तो जीबीसी ब्रेकिंग पे बने रहें ताकि हमारी ऐसी लेटेस्ट अपडेट बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस की आप लोगों को मिलती रहे सबसे पहले। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं देखते रहेगा पूरा वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो कि रॉकिंग स्टार यश की फिल्म जो कि केजीएफ चैप्टर 2 के बारे में, और वहीं दोस्तों केजीएफ चैप्टर 3 के बारे में। तो आप लोगों को पता ही चले कि केजीएफ मूवी जो कि एक बहुत ही दमदार मूवी थी जिसे ऑडियंस ने प्यार किया और बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट भी मिला। वहीं दोस्तों केजीएफ चैप्टर 2 की बात करें तो इस फिल्म ने केजीएफ चैप्टर 2 में जो कि रॉकिंग स्टार यश ने जान डाल दी, और वहीं दोस्तों इस फिल्म में संजय दत्त, रवीना टंडन ने जिस तरीके से एक्टिंग करी है और श्रीदेवी शेट्टी ने जिस तरीके से एक्टिंग करी है बहुत ही हटके और बहुत ही डिफरेंट। हालांकि रॉकिंग स्टार यश की एक्टिंग बहुत ही दमदार रही है, और इस फिल्म की एडिटिंग की बात करें तो इस फिल्म की एडिटिंग भी बहुत ही शानदार रही है और इस फिल्म में हर एक कैरेक्टर बहुत ही जोरदार रहे हैं। हालांकि इस फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत ही दमदार और जोरदार रहे हैं, इसी कारण केजीएफ चैप्टर 2 ने जो कि अच्छा खासा कलेक्शन किया और सारे हिटर्स की बोलती बंद करी। दोस्तों वहीं बात करें केजीएफ चैप्टर 3 के बारे में तो आप लोगों को बताई चले कि इस फिल्म की भी अनाउंसमेंट लास्ट में हो ही गई थी, लेकिन आप लोगों को बताई चले कि इस फिल्म की अनाउंसमेंट जो कि प्रशांत नील ने बहुत ही शानदार तरीके से करी है और बहुत ही दमदार तरीके से करी है। हालांकि ये फिल्म भी आप लोगों को बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाली है। हालांकि अभी तक इस फिल्म की रिलीज डेट कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन 24 में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। आप लोगों को बताइए चलेगी केजीएफ चैप्टर 3 में जो कि संजय दत्त तो नहीं रहते हैं, वहीं दोस्तों जो कि श्रीनिधि शेट्टी भी ख़त्म हो जाती हैं, और वहीं अब देखना यह है कि आगे की स्टोरी कैसी रहती है और क्या रहती है। अब देखना यह है कि क्या संजय दत्त जिंदा बचते हैं कि नहीं। अगर बचते हैं तो दोस्तों और भी दिलचस्प रहेगा इस मूवी को देखने में। और वहीं दोस्तों बात करें इस मूवी के जो कि स्टार कास्ट के बारे में, तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बता दें कि यस, और वहीं दोस्तों शिल्पा शेट्टी तो आप लोगों को देखने को मिलने वाली हैं, लेकिन आप लोगों को बता दें कि श्रीनिधि शेट्टी नहीं देखने को मिलेंगी। अब देखना यह है कि आगे का कैरेक्टर कौन कौन सा रहता है और प्रशांत नील कितना ज़्यादा इस फिल्म में दिमाग लगाते हैं और कितना जोरदार इस फिल्म को बनाते हैं। बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो ये दोस्तों पैन इंडिया में अच्छा खासा कलेक्शन कर सकती है और सारे हेटर्स की बोलती बंद कर सकती है। रॉकिंग स्टार यश की फैन फॉलोइंग अच्छी चल रही है और रॉकिंग स्टार यश को हर कोई पसंद कर रहा है, और रॉकिंग स्टार यश जो कि बहुत ही दमदार और जोरदार तरीके से एक नया फिल्में दे रहे हैं और एक के बाद एक उनकी फिल्में भी आने वाली है। हालांकि बाबा की भी पॉपुलरिटी केजीएफ चैप्टर 2 से बहुत ज़्यादा हो गई साउथ में, तेलुगु में, तमिल में, और बाबा को वेलन के रूप में अब आप 2-3 मूवियों में देख सकते हैं। बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों यह फिल्म ने अपने पहले दिन ऑक्यूपेंसी बहुत अच्छी खासी बना के रखी है, और यह फिल्म अपने पहले दिन 40 से 50 करोड़ रुपए का कारोबार करेगी बॉक्स ऑफिस पर और सारे हेटर्स की बोलती बंद करेगी। तो दोस्तों आप लोग केजीएफ चैप्टर 3 मूवी का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और साथ ही साथ हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पे नए हैं तो जीबीसी ब्रेकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें। वहीं दूसरी मूवी की बात करें तो दूसरी मूवी है जो कि अल्लू अर्जुन स्टारर फिल्म पुष्पा 2 मूवी, जहां दोस्तों पुष्पा 1 ने जो कि गजब का कमाल दिखाया था बॉक्स ऑफिस पर और ऑडियंस का दिल जीतने में कामयाब रही थी। फाइनली जो कि अब शिव कुमार ने जो कि पुष्पा 2 मूवी की अनाउंसमेंट तभी कर दी थी, और वाकई में पुष्पा 2 मूवी एक दमदार और जोरदार फिल्म भी होने वाली है, क्योंकि शिव कुमार इस मूवी पर बहुत ही ज़्यादा काम कर रहे हैं और शिव कुमार के डायरेक्शन में बनाई गई फिल्म पुष्पा 2 मूवी बहुत ही डिफरेंट होने वाली है और बहुत ही हटके होने वाली है, क्योंकि शिव कुमार कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, इसी कारण ऑडियंस उनकी हर फिल्में देखना भी पसंद करती है। आप लोगों को बताइए चले कि शिव कुमार स्टारर फिल्म पुष्पा मूवी जो कि एक दमदार फिल्म तो है ही है, लेकिन आप लोगों को बताइए चले कि पुष्पा 2 मूवी जो कि आप लोगों को 2024 में 15 अगस्त के दिन देखने को मिलने वाली है।
बात करें इस फिल्म के बजट के बारे में, थी यह फिल्म 500 करोड़ रुपए के बजट से बनाई जा रही है। इसका मतलब यह है कि इस फिल्म का बजट बढ़ा है, तो लेकिन इस फिल्म में कुछ नए कैरेक्टर भी ऐड तो जरूर हुए हैं। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि इस फिल्म में अभी तक रिवील नहीं किए गए हैं नए कैरेक्टर, लेकिन इस फिल्म में आप लोगों को जो कि अल्लू अर्जुन, रश्मिका वंदना, फहद फाजिल और वहीं दोस्तों आप लोगों को जगपति बाबू भी देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि जगपति बाबू का भी नाम तो आ ही रहा है, लेकिन आप लोगों को बता दें कि जगपति बाबू भी दमदार और जोरदार तरीके से जो कि आप लोगों को विलन के रूप में नजर आ जाएंगे। बात करें इस मूवी के जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो अल्लू अर्जुन स्टारर फिल्म पुष्पा मूवी अपने पहले दिन दमदार तरीके से ऑक्यूपेंसी दिखा रही है और यह फिल्म अपने पहले दिन कम से कम दोस्तों रिलीज होते से ही 50 से 60 करोड़ रुपये की ओपनिंग लेगी और सारे हेटर्स की बोलती बंद करेगी। तो दोस्तों आप लोग पुष्पा 2 मूवी का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वहीं बात कर लेते हैं तीसरी मूवी के बारे में, तो दोस्तों तीसरी मूवी है जो कि सलमान खान स्टारर फिल्म टाइगर 3 मूवी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, सलमान खान स्टारर फिल्म टाइगर 3 मूवी, जिस मूवी को 12 नवंबर के दिन सिनेमा घरों में रिलीज कर दिया गया। और फाइनली दोस्तों इस फिल्म ने 12 नवंबर के दिन सिनेमा घरों में एक गजब का क्रेज देखने को मिला और इस फिल्म को गजब की ऑडियंस भी मिली। आप लोगों को बताया चले कि सिनेमा घरों में टाइगर 3 मूवी ने गजब की तबाही मचाई और वहीं दोस्तों टाइगर 3 मूवी को लोगों ने अच्छा खासा रिव्यू और साथ ही साथ पब्लिक रिव्यू भी बहुत ही ज़्यादा फाड़ मिला और वहीं दोस्तों टाइगर 3 मूवी की चर्चा हर जगह हो रही है। टाइगर 3 मूवी जो कि स्पाई यूनिवर्स की सबसे पहली फिल्म है, इस मूवी से जो कि स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी। फाइनली दोस्तों एक था टाइगर ने भी अच्छा खासा कलेक्शन किया था और ऑडियंस का दिल जीता था। अब जो कि टाइगर 3 मूवी ने भी ऑडियंस का दिल जीत लिया है और भाईजान की फिल्म टाइगर 3 मूवी बहुत ही दमदार और बहुत ही जोरदार और बहुत ही शानदार फिल्म साबित हुई है। इसमें चाहे विलन किरदार हो, चाहे सलमान खान, चाहे कैटरीना कैफ, हर एक किरदार बहुत ही जोरदार है। आप लोगों को बता दें कि अविनाश सिंह राठौर और वही दोस्तों जोया जो कि कमाल मचाते हुए नजर आ रही हैं बॉक्स ऑफिस पर और सारे हेटर्स की बोलती बंद करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों आप लोगों को बताए चले कि सलमान खान स्टारर फिल्म टाइगर 3 मूवी में आप लोगों को विलन किरदार इमरान हाशमी करते हुए नजर आएंगे और वहीं दोस्तों सलमान खान इस फिल्म में दमदार तरीके से फाइट करते हुए दिखेंगे। बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो यह फिल्म ने अपने पहले दिन 44 करोड़ 50 लाख रुपए का कारोबार किया था। दूसरे दिन इस फिल्म ने 57 करोड़ 50 लाख रुपए का कारोबार किया था। वहीं दोस्तों इस फिल्म ने 2 ही दिनों में 102 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया और सारे हेटर्स की बोलती बंद करी। दोस्तों अगर आप लोगों ने टाइगर 3 मूवी देखी है तो आप लोगों को टाइगर 3 मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और साथ ही साथ अगर आप लोग हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पे नए हैं तो हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि हमारी ऐसी लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।